गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कांग्रेस स्टाइल के सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में सब्जेक्ट मैटर्स केवल एक दो पैराग्राफ के थ्रू दिए गए हैं, लेकिन हम इनको पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है हीरोइन के अलग अलग मूड्स को लेकर पिक्चराइज किया गया था उस टाइम पीरियड पे। जो वुमन्स थी उनकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग नेचर होती है, उसको जो पेंटर था उसने 8 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करके और पिक्चराइज किया है। जिस तरीके से नवरात्रे में 9 डेज की 9 गॉडेस मानी गई है, उसी तरीके से जो पेंटर्स हैं उन्होंने 8 टाइप्स की वुमन्स के मूड्स माने हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको पिक्चराइज किया गया है। नंबर 2 पे है वेदर के अकॉर्डिंग अलग अलग 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट किया है, जिसमें कांगड़ा पिक्चर स्टाइल में कृष्णा को और राधा को स्पेशली हीरो और हीरोइन मानकर और उस टॉपिक पे वर्कआउट किया है। नंबर 3 पे राग रागिनी पिक्चराइज किया के रूप में पिक्चराइज किया है, जो हमारे जितने भी हिंदू महाकाव्य ग्रंथ हैं उनमें कृष्णा और राधा के अलग अलग जितनी भी लीलाएं होती है, जो प्लेज होते हैं, उन सबको पिक्चराइज करने की कोशिश की है। और तीसरे टाइप में कोर्ट पेंटिंग्स और पर्सन पेंटिंग्स को लिया गया है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हिल एरियाज की पेंटिंग्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मुगल पेंटिंग्स एंड हिल एरियाज की पेंटिंग्स है, तो उन इसीलिए कोर्ट पेंटिंग्स को स्पेशली लिया गया है, पर्सन पेंटिंग्स को भी लिया गया है, क्योंकि जितने भी किंग्स होते थे, जितने भी एम्पायर्स होते थे, वो अपने कोर्ट का जो लैविशनेस है वो दिखाना चाहते थे आने वाली जनरेशन को। और जितना भी वर्कआउट होता था, चाहे वो कोई डिस्कशंस हो, चाहे वो कोई एंजॉयमेंट्स हो, चाहे कोई स्पेशल टॉपिक पर उनको डिसीजंस लेने हो, सारे वर्क जितने भी होते थे वो सारे कोर्ट में होते थे। इसलिए किंग्स जो होते थे अपने कोर्ट को वेल अरेंज्ड रखते थे और उस चीज़ को आने वाली जनरेशन को दिखाना भी चाहते थे, तो उसमें बहुत सारे पर्संस भी होते थे साथ में इन्वॉल्व, तो उन सबको पिक्चराइज करवाना चाहते थे। तो ये भी एक स्पेशल टॉपिक था कांगड़ा पेंटिंग का। इस तरीके से 5 टॉपिक्स हैं आपके कोर्स में। इन 5 टॉपिक्स को लेकर आपके 3-4 पैसेज दिए गए हैं, उनको आप डिफ्रेंशिएट करके और कर लीजिएगा। आपके चैप्टर के बैक में भी एक क्वेश्चन दिया गया है इससे रिलेटेड, और लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन का यह आंसर भी बन गया है। कल हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांगड़ा स्टाइल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।